हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वन प्लस 10R फ़ोन में आप लोग पिन लॉक को कैसे तोड़ सकते हो। अगर आपके पास एक वन प्लस 10R फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को पिन लॉक को तोड़ना है, या पर आपके फ़ोन में जो है किसी ने पिन लॉक लगा दिया है, या आपने जो खुद ही पिन लॉक को लगाया था, अभी आप लोगों को जो है पिन लॉक खोलना नहीं आ रहा है, आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर बार बार रॉन्ग दिखा रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और यहाँ पर बार बार जो है पासवर्ड ट्राई करते करते आपके इस फ़ोन में जो है टाइमर देखने को मिल गएगा। इस यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, उस टाइम तक आप लोगों को वेट करना होता है पासवर्ड को फिर से ट्राई करने के लिए। तो कैसे आप लोग इस पिन लॉक को जो है खोल सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिन लॉक को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन में चार्ज को थोड़ा सा ज़्यादा करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में जो है बैटरी कम होगा तो आप लोगों को जो अपने फ़ोन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग जो है बैटरी को थोड़ा ज़्यादा चार्ज करके रखिए। उसके बाद आप लोगों को अपने सिम और मेमोरी को निकाल देना है। अगर आपके फ़ोन में सिम और मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो दोनों को ही आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम पिन लॉक को तोड़ने वाले हैं, पिन लॉक तोड़ने से आपके फ़ोन में जितने भी डाटा वगैरह वो सब डिलीट हो जाएंगे और आपका फ़ोन जो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग मेमोरी और सिम कार्ड को निकाल दीजिए। अगर आपके मेमोरी और सिम कार्ड में नंबर्स या मेमोरी में डाटा वगैरह होगा तो वो सब भी डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को दोनों को ही निकाल देना है। निकाल देने के बाद और चार्ज को ज़्यादा रखने के बाद आप लोगों को जो है अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेना है। पावर ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को ही एक साथ में एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर पावर ऑफ़ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर से आप लोगों को अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर पावर ऑफ़ होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग्स को लाना होगा गाइस, इन बटन्स के जरिए। जो यहाँ पर बटन्स है देख सकते हैं, तीन बटन्स है, जैसे कि वॉल्यूम का बटन्स दो है और यहाँ पर पावर बटन है। तो जब पावर ऑफ अच्छी तरीके से हो जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिकवरी मोड को लाना है। तो रिकवरी मोड को लाने के लिए आप लोगों को इन बटन्स के मदद से आप लोगों को रिकवरी मोड को लाना होगा। उसके लिए आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर बटन है इस साइड में, और यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन्स है, दो वॉल्यूम बटन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एक पावर बटन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पावर बटन और जो वॉल्यूम डाउन बटन होता है जिससे आप लोग वॉल्यूम को कम करते हो, तो दोनों को आप लोगों को एक साथ में क्लिक करके पकड़ के रखना है। क्लिक करके पकड़ने के बाद यहाँ पर वन प्लस का जो लोगो है वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को अपने इस पावर बटन को छोड़ देना है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आप लोगों को यहाँ पर जो पावर बटन है और जो वॉल्यूम डाउन बटन है, दोनों को हम एक साथ में क्लिक करके पकड़ के रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक करके पकड़ के रखा है। तो जब वन प्लस का लोगो आएगा तो आप लोगों को पावर बटन को छोड़ देना है कुछ इस तरीके से, लेकिन वॉल्यूम डाउन बटन को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर से थोड़ा वेट करेंगे, ऐसे ही पकड़ के रखिए वॉल्यूम डाउन बटन को, तो यहाँ पर एक सेटिंग्स आ जाएगा। देख सकते हैं गाइस सेटिंग्स आ गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है गाइस, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक इंग्लिश का ऑप्शन। तो इस इंग्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट डाटा का, जो पहला वाला ऑप्शन है गाइस फॉर्मेट डाटा। तो इस फॉर्मेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड आया है, इस कोड को आप लोगों को डालना है, जैसे कि 6873। ठीक है गाइस, आपके फ़ोन में जो है दूसरा कोड भी आ सकता है, तो जो भी कोड आपके यहाँ पर देखने को मिलता है गाइस उस कोड को यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए। डालते ही देख सकते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आया है, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करते ही आपका जो डाटा है वो यहाँ पर से डिलीट होने लग जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं डाटा फॉर्मेटेड का ऑप्शन आया है, तो डाटा फॉर्मेटेड के ऑप्शन पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके फ़ोन को जो है ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आप लोगों को आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखना है गाइस, क्योंकि ये ऑन होने के बाद आप लोगों को इस फ़ोन को जो है सेटअप भी करना होगा। अगर आप लोगों को सेटअप करना नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा गाइस कि कैसे आप लोग इस फ़ोन को जो है सेटअप कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा हम वेट कर लेंगे अपने फ़ोन का ऑन होने तक का। ऑन होने के बाद मैं आप लोगों को इस फ़ोन को सेटअप करना भी सिखा दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है।
ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा गाइस। तो अभी जो है आप लोगों को इस फ़ोन को सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने के लिए देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लू कलर का एरो देखने को मिलेगा गाइस। तो इस एरो पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर से आप लोग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है गाइस नीचे, तो इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस आए हैं गाइस। तो यहाँ पर से आप लोगों को सभी को एग्री करना होगा। अगर आप लोग सभी को एग्री नहीं करोगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर से हम सभी को एग्री कर देते गाइस एक एक करके। एग्री करते ही देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क मतलब सिम डालने का ऑप्शन आया है, लेकिन हम यहाँ पर से सिम नहीं डालेंगे गाइस, क्योंकि नीचे जो ये नेक्स्ट का बटन है हम इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर से अगर आप लोगों को वाईफाई कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफलाइन करेंगे गाइस। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोगों को एक स्किप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, एकदम लास्ट में जाना है गाइस। लास्ट में एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों का लॉक लगाने का ऑप्शन आया है, यहाँ पर से पासवर्ड लगा सकते हैं, फेस लॉक लगा सकते हैं, और आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी लॉक नहीं लगाएंगे गाइस। ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गेटिंग योर फ़ोन रेडी का ऑप्शन है, और यहाँ पर नेविगेशन बटन्स आए हैं। यहाँ पर जो बैक करने के लिए बटन्स होते हैं गाइस नीचे, वो बटन्स आप लोग यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को बटन चाहिए तो बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को जो गेस्चर वाला चाहिए, जो यहाँ पर गेस्चर वाला बटन होता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला, वो भी आप लोग यहाँ पर से लगा सकते हो। तो ये बटन जो आप लोग अपने हिसाब से जो यहाँ पर से सेट कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को पसंद आए उसको आप लोग यहाँ पर से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते कुछ रिकमेंडेड का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर से आप लोग जो इन सब को आप लोग पर के जो है ऑन ऑफ़ कर सकते हो। अगर आप लोग ये सब जो ऑन ऑफ़ करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए ये क्या ऑप्शन है, उसके बाद आप लोग ऑन ऑफ़ कर सकते हो। ऑन ऑफ़ करने के बाद नीचे डन का ऑप्शन होगा, डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन ओएस का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर से नीचे एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा गाइस, तो इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं गाइस हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पिन लॉक है वो भी खुल गया है कि नहीं, अभी हम चेक करेंगे गाइस। तो यहाँ पर अपने फ़ोन का जो है स्क्रीन को लॉक करेंगे, और यहाँ पर फिर से अनलॉक करेंगे, यहाँ पर स्वाइप करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में जो अभी कोई भी पिन लॉक देखने को नहीं मिल रहा। पिन लॉक जो वो खुल चुका है गाइस, यहाँ पर हमने इसको जो है फैक्ट्री रीसेट किया था। तो अगर आप लोग भी ऐसे करके फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो आपका जो पिन लॉक है वो भी यहाँ पर से खुल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मेरे फ़ोन में कोई भी पिन लॉक नहीं है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वन प्लस 10R फ़ोन में आप लोग पिन लॉक को खोल सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।